हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको टेली में जो आइटम कोस्टिंग में फीफो सिस्टम आता है उसके बारे में बताऊंगा। उसको किस तरीके से टेली में इंप्लीमेंट करते हैं, उसका यूज़ क्या है, उससे आप किस तरीके से आपका जो स्टॉक का वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू आप टेली में देख सकते हो वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एवरेज कॉस्ट होता है जो डिफॉल्ट टेली के अंदर आता है और आप फीफो सिस्टम अगर आप चेंज करोगे आइटम मास्टर के अंदर तो उससे आपके स्टॉक के वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल मैंने प्रिपेयर किया वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वाली जो आइटम है वो एवरेज कॉस्टिंग वाली है, आइटम ए। अभी इस आइटम को मैंने परचेस कैसे किया है, 1 अप्रैल को मैंने परचेस किया है 1 क्वांटिटी 100 रुपीज़ में। 2 अप्रैल को मैंने परचेस किया है सेम 1 क्वांटिटी 200 रुपीज़ में, तो इसका टोटल वैल्यू हो गया 300 रुपीज़। अगर मैं इसमें से एक क्वांटिटी अगर सेल करता हूँ, चाहे वो कोई भी रेट में सेल करूँ, तो उसके बाद जो मेरा स्टॉक वैल्यू मुझे स्टॉक समर में दिखाई देगा वो 150 रुपीज़ दिखाई देगा। इसमें से एवरेज निकाल के वो 150 रुपीज़ दिखाई देगा। बट अगर मैं फीफो सिस्टम से अगर मैं सेल करता हूँ, तो इस आइटम के अंदर मैंने फीफो सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, तो फर्स्ट क्वांटिटी मैंने 100 रुपीज़ में सेम क्वांटिटी परचेज किया सेम रेट, सेकेंड टाइम मैंने जो परचेज किया वो 200 रुपीज़ में परचेज किया। इसका मैं आपको टेली में भी दिखाऊंगा। तो इसका टोटल 300 रुपीज़ हुआ बट उसका वैल्यू मुझे टेली में दिखाई देगा 200 रुपीज़। उसका जो मैं उसको जब मैं सेल करूंगा तो ये 100 रुपीज़ माइनस करेगा, एवरेज माइनस नहीं करेगा। जो फर्स्ट परचेस हुआ होगा उसका वैल्यू माइनस करके फिर मुझे जो बैलेंस दिखाई देगा वो मुझे स्टॉक समरी के अंदर उसका वैल्यू दिखाई देगा। तो फीफो सिस्टम का यूज़ ही यही है कि आपको जो फर्स्ट इन हुआ वही फर्स्ट सेल करने के टाइम पे वो आउट करेगा और उसी के हिसाब से आपको स्टॉक दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले डे बुक में मैंने जो पहले परचेस किया है, दोनों आइटम है सेम क्वांटिटी सेम रेट। सेकंड टाइम मैंने परचेस किया है सेम क्वांटिटी सेम रेट और सेल किया है सेम क्वांटिटी। मैंने अलग अलग रखा है, सेल रेट से उसे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे उसका स्टॉक समरी में अगर रिपोर्ट चेक करता हूँ तो जो मेरा एवरेज कॉस्टिंग वाला था उसका मुझे यहाँ पे वैल्यू 150 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे आना चाहिए 200 रुपीज़, क्योंकि मेरा सेकेंड जो आइटम हुआ था वो 200 रुपीज़ में परचेस हुआ था। तो अगर यहाँ तो उस हिसाब से तो ये गलत रिपोर्ट आ रहा है, और सेकेंड जो आइटम थे जिसके अंदर मैंने फीफो सिस्टम सेट किया था तो उसमें मुझे 200 रुपीज़ आ रहा है। इसको अगर मैं ओपन करके दिखाता हूँ, फर्स्ट वाला परचेस हुआ था 100 रुपीज़ में, सेकेंड वाला परचेस हुआ था 200 रुपीज़ में। तो यहाँ पर मैंने एक आइटम सेल किया तो वो 100 रुपीज़ का रेट माइनस करके वैल्यू माइनस करके मुझे यहाँ पे जो सेकंड टाइम जो मैंने परचेस किया था उसका वैल्यू मुझे यहाँ पे फीफो सिस्टम के हिसाब से आ रहा है। बट एवरेज वाले आइटम के अंदर यहाँ पे इन दोनों का एवरेज निकाल के मेरा 150 रुपीज़ माइनस हुआ और मुझे यहाँ पे वैल्यू 150 रुपीज़ दिखाया जा रहा है, जो कि आना चाहिए 200 रुपीज़। तो इसके वजह से आपको एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास बैलेंस स्टॉक है उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाता है अगर आप एवरेज कॉस्टिंग का यूज़ करते हो। तो ये एवरेज कॉस्टिंग और फीफो सिस्टम आप किस तरीके से आइटम के अंदर मेंटेन कर सेटअप करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिहेवियर का ऑप्शन आना चाहिए, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर को यस रखना है, तभी ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये डिफॉल्ट इस तरीके से रहता है। और जो मेरे सेकेंड आइटम है उसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड है उसको मैंने फीफो रखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं, फीफो लिफो बहुत सारे हैं, बट आप फीफो मेंटेन करें। फीफो से जो फर्स्ट वाला परचेस हुआ होगा उसी का वैल्यू वो माइनस करके आपको एक्चुअल स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बट अगर आपने कोई भी आइटम के अंदर एवरेज कॉस्टिंग रखा है बट आप चाहते हो उसका फीफो सिस्टम के हिसाब से उसका रेट देखना चाहते हो तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है। आपको अंदर जाके उसमें फीफो मेंटेन नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर आप न्यू कॉलम में जाके फीफो का एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। तो ये जो सेकेंड आइटम जिसके अंदर आपने एवरेज कॉस्टिंग सेटअप किया था उसमें भी आपको फीफो सिस्टम के हिसाब से आपको यहाँ पे रेट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी 200 रुपीज़ अभी आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, इसका भी 200 रुपीज़ आ रहा है, इसका भी 200 रुपीज़ आ रहा है। तो ये फीफो सिस्टम है जिसको आप टेली में इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो नए टेली यूज़र है उनको ये सारे फीचर्स के बारे में नहीं पता होता है, तो बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको टेली में जो एडवांस फीचर्स है उसका आप यूज़ करें जिससे आप टेली में जो स्टॉक वैल्यू है प्रॉपर मेंटेन कर सको। तो दोस्तों और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी डिटेल में सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर शेयर कर, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और नंबर के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।